हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे। आज का ये जो व्लॉग मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है नॉर्थ इंडियंस के लिए और या फिर वो लोग जो बाहर के शहर से आते हैं अपने फेवरेट हीरो हीरोइंस को देखने के लिए, जो लोग मुंबई में रहते हैं। आप लोग जानते हैं कि मैं मुंबई में रहती हूँ और यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी स्टार्स, बॉलीवुड एक्टर और भोजपुरी एक्टर, बहुत लोग रहते हैं। अब जैसे मैं मीरा रोड में रहती हूँ, तो मीरा रोड में क्या है कि बहुत सारे एक्टर्स जो हैं, जो चाहे सीरियल से हों और चाहे वो लोग अपने भोजपुरी इंडस्ट्री से हों या फिर बॉलीवुड से हों, काफ़ी लोग यहाँ पर मेरे आसपास ही एरिया में रहते हैं। अभी हमारा तो क्या है कि हमारे लिए यूज़ टू है कि हम लोग कभी भी कहीं पर भी देखते हैं। जैसे मेरे जिम में, मैं जहाँ जिम में जाती हूँ वहाँ पे बहुत सारे भोजपुरी एक्टर्स आते हैं और अपने जो टीवी के कलाकार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर आते हैं। तो ये एक यूज़ टू वाली चीज़ हो जाती है कि हम लोगों के लिए बॉम्बई में, क्योंकि वो आसपास दिखते हैं सब लोग। लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं अपने अपने फेवरेट एक्टर्स को मिलने, हीरोइंस को मिलने के लिए, उनके लिए आज ये मैंने व्लॉग बनाया है। अभी आज का वो जो व्लॉग बनाया है वो मैंने बनाया है केसारी लाल के ऊपर, जो कि भोजपुरी एक्टर हैं। और आज मैं आपको उनके घर जाने का रास्ता बताऊंगी कि उनका घर कहाँ पर है, वो कैसे रहते हैं और किस तरह से आप उनके घर पहुँच सकते हैं। आप अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो आप उनके घर कैसे जा सकते हैं। अगर आप मीरा रोड, जैसे मैं मीरा रोड में रहती हूँ और जो केसारी लाल है वो भी मीरा रोड में ही रहते हैं, तो अगर कोई ट्रेन से आ रहा है तो कैसे उनके यहाँ जा सकता है। और अगर आप बाय रोड आ रहे हैं, चाहे आप बाय बस आ रहे हैं, चाहे प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं, आप कैसे भी आ रहे हैं, मतलब आपको उनके यहाँ जाना है तो कैसे जाना है, इसके बारे में आज मैंने ये व्लॉग बनाया है। और मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी कि अगर आप बस से आएँ तो किस तरह से जाएँ, ट्रेन से आएँ तो आप कैसे जाएँ, बस इसी के ऊपर है। और उसको मैंने एकदम सिंपल वे में बताया है कि आप कहाँ उतरें, कैसे जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा व्लॉग। मैं बस चेंज कर लेती हूँ, तैयार होती हूँ, रेडी होती हूँ, फिर हम लोग निकलते हैं उनके घर के लिए, उनसे चल के मिल के आते हैं। अगर वो यहाँ पर होंगे, अगर वो मिल पाएंगे तो ज़रूर मिलेंगे, नहीं तो उनके घर होके आते हैं। तो चलिए मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं। मैं आपको लेके चलती हूँ सबसे पहले स्टेशन की तरफ, जहाँ से आप, मान लीजिए आप ट्रेन से आ रहे हैं नॉर्थ से, मान लीजिए लोकल से कई लोग आते हैं दूर दराज, यहाँ पर मुंबई में भी आके काफ़ी लोग बाहर के आउटर एरियाज में रहते हैं और वो लोग इधर आते हैं। तो ट्रेन से आप कैसे आ सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैं आपको लेके चलती हूँ रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ साथ। सीट बेल्ट लगा लूँ मैं, ज़रा सीट बेल्ट लगाना मैं भूल गई हूँ, इसीलिए ये ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है मेरी गाड़ी। एक सेकेंड ना। देखा आपने, पीपी होना बंद हो गया, नहीं तो बहुत इरिटेट करता है ये। थोड़ी सी भी दूर जाना हो तो भी वो पीपी पीपी करेगा। मेरे यहाँ से स्टेशन जो है ना, अगर हम लोग जैसे ऑटो से जाएं तो हम लोग रश ना हो तो ऑटो वाला आपको 15 मिनट में पहुँचा देगा। ऐसे तूफ़ानी रफ्तार से चलते हैं, और मुंबई के ऑटो वाले जो है ना वो बहुत तूफ़ानी रफ्तार से चलते हैं। ये देखिए, ये वाला रास्ता जो है ना, ये आपने मेरे पहले वाला जो कार ब्लॉक था मेरा, कार स्पा, और हम लोग जो मैं आपको लेके गई थी बीच पर, ये वाला रास्ता आपने देखा होगा, क्योंकि मेरे घर से हम जब निकलते हैं कहीं जाने के लिए तो ये मेन सड़क है जहाँ से हमें निकल के ही आगे जाना है, तो यही सड़क आपको दिखेगा। अभी आगे मैं आपको स्टेशन की तरफ लेके चल रही हूँ, मैं आपको रास्ता दिखाती हुई चलती हूँ। चलिए जी, अभी मैंने डलवा लिया है पेट्रोल, अब हम निकल रहे हैं एकदम यहाँ से। मैं भाईंदर की तरफ से आ रही हूँ, मतलब वो वाले रोड से आ रही हूँ, मेरा घर भाईंदर में नहीं है।
लेकिन मैं उस तरफ से आ रही हूँ और मैं हाईवे की तरफ जा रही हूँ क्योंकि मुझे लेना है यहाँ से यू टर्न, क्योंकि स्टेशन की तरफ जाने के लिए मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा यू टर्न, ठीक है। तो अगर आप लोग बाहर हाईवे से आ रहे हैं, मतलब अगर आप दहीसर चेकनाके की तरफ से आ रहे हैं, तो वहाँ से आप आगे आगे आते जाएंगे तो आएगा शिवाजी का पुतला, वहाँ से आपको लेना है लेफ्ट। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं, मैं केसारी के घर की रास्ता, केसारी लाल का घर का रास्ता आपको बता रही हूँ, वहाँ से आपको लेना है लेफ्ट अगर आप बाय कार आ रहे हैं या बाय रोड आ रहे हैं, कैसे भी बाइक से आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं मतलब। तो और अगर बस आती है तो बस तो इधर से ही लेके आती है आपको। अभी मैं यहाँ से लेने वाली हूँ यू टर्न, ठीक है। आगे भी एक रास्ता है जो कि इस तरफ आता है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है। पहले से तो मीरा रोड इतना डेवलप हुआ है, इतना चेंज हुआ है। पहले लोग पता क्या बोलते थे, यहाँ पे पानी नहीं आता है, यहाँ पर बहुत लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टफ है, दो दो दिन तक लाइट नहीं होती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों ने अफवाह फैलाई हुई थी, ऐसा कुछ था ही नहीं। मुझे यहाँ पर आकर 10 साल हो गए हैं, हमने यहाँ पे जब से घर खरीदा है 10 साल से, हाँ 10 साल हो गए ऑलमोस्ट। और ऐसा जब से मैं आई हूँ तब से कुछ नहीं है, और उसके पहले ही लोग बोलते थे कि यहाँ पर ये है वो है, फैसिलिटी नहीं है, ऐसी ऐसी बातें। यहाँ पर एक साईं मंदिर है जो कि काफ़ी फेमस है। मैं चलिए मैं इसी रास्ते से ही लेके चलती हूँ आपको। ये मीरा रोड का साईं मंदिर है जो काफ़ी फेमस है, थर्सडे को लोग यहाँ पर आते हैं। पहले मेरा भी रेगुलर था आना यहाँ पर, अभी थोड़ा मेरा इस तरफ आना कम हो गया है। यहाँ पर ना राइट साइड में है साईं मंदिर। अभी क्योंकि मैं गाड़ी चला रही हूँ मैं आपको घुमा के दिखा नहीं सकती हूँ, बस यही है राइट साइड में मंदिर है, श्री साईं धाम नाम है जय। तो चलिए मैं थोड़ी देर के लिए एक्चुअली रुक गई थी बीच में, मुझे फ़ोन में कुछ मैसेज आया था, मुझे उसका रिप्लाई करना था। अच्छा ये एरिया है सृष्टि एरिया, इसको बोलते हैं सृष्टि एरिया। ये यहाँ का ना मीरा रोड में आई थिंक ये सबसे पहले बना था, मतलब ये एरिया सबसे पहले डेवलप हुआ था, और ये हाईवे से बहुत पास में पड़ता है रोड। पहले तो लोग इसी तरफ रहने के लिए आते थे। अभी लोग रुकते नहीं है, मतलब एक को निकलने के लिए जगह दिया तो वो दूसरे वाला भी पीछे से आ जाएगा कि चलो मैं भी निकल ही लेता हूँ। चलिए अब मैं आपको ना यहाँ से आगे बताती हूँ, जब आप बाहर हाईवे से आ रहे हैं, बाय रोड आ रहे हैं, चाहे आप बाय बाइक बस से आएंगे तो बस तो ऑब्वियस आपको लेके ही आ जाएगी, मतलब आपको उसमें खाली बैठ के आना है। लेकिन अगर आप अपनी व्हीकल से किसी से भी आ रहे हैं तो आपको कैसे आना है ये मैं आपको सीधा रास्ता बताने वाली हूँ, जो कि सीधा आपको लेके आएगा। ये जो रोड है ना ये आ रही है, अब मैं यहाँ से ले ली हूँ लेफ्ट ना, तो ये मैं पीछे हाईवे की तरफ वाला रोड है जो कि आपको स्टेशन की तरफ लेके जाएगा। मैं आपको सीधा अब रास्ता बताती हूँ। मेरी बैक साइड जो है ना वो आ रही है बाहर से, मतलब हाईवे से जो अपना दहीसर चेकनाका वाला हाईवे है वहाँ से आ रहा है, अंदर की तरफ लिया है हमने लेफ्ट। मतलब जब आप चेकनाका क्रॉस करेंगे तो वहाँ से आगे आके एक होटल आता है, वहाँ से आपको लेफ्ट लेना है। तो ये सीधा सीधा सड़क अभी हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ, मैं आपको सीधा रूट एकदम लेके जा रही हूँ ताकि आप इजीली खेसारी लाल के घर पे पहुँच सकें। और ये सड़क से मैं इसलिए लेके आई हूँ आपको क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्टेशन पे लेके जा रही हूँ। पहले जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं उनको मालूम रहेगा इजीली कि वो लोग ट्रेन के जब उतरते हैं स्टेशन पर उतरते हैं वहाँ से वो कैसे आ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं इस रोड पे सबसे पहले लेके आई हूँ अपने घर से, मैं काफ़ी यहाँ पर आई पहले स्टेशन आई हूँ। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट
रास्ता एकदम पता चलेगा सिंपल वे में एकदम। ये एरिया है, इसको बोलते हैं पूनम सागर एरिया। इस एरिया को बोलते हैं पूनम सागर। पहले मैं इसी तरफ रहती थी जब हम लोग रेंट पर थे, मीरा रोड की तरफ हम लोग, क्योंकि मैं पहले गोरेगांव साइड रहती थी तो हम लोग फिर शिफ्ट हुए क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस मीरा रोड में था। तो वो क्योंकि गोरेगांव से मीरा रोड काफ़ी दूर पड़ता था, हाईवे से आना जाना बहुत डर लगता था, लेट भी होता था हस्बैंड को, तो हमने सोचा जब लेना ही है, जब रहना ही है तो इसी तरफ आके रह लेते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ पर इसी तरफ, यहाँ से लेफ्ट साइड में पूनम सागर है ये, जो यहाँ पर आके हमने लिया। और फिर उसके बाद ये जो सामने आपको एक बिल्डिंग दिख रही होगी, ऊपर गुबंद दिख रहा होगा आपको रेड कलर का, जी हाँ ये जो ऊपर गुबंद दिख रहा है ना, यहाँ पर 6th फ्लोर पे ऊपर हम लोगों ने सबसे पहले घर लिया था रेंट पर। ये आपको ये सामने दिख रहा है लेफ्ट साइड में ऊपर गुबंद, हाँ यही ओलंपिया, इसमें ऊपर जो एसी दिख रहा है बाहर खिड़की में, यही फ्लैट हम लोगों ने रेंट पे लिया था। और हम लोग यहाँ पे थोड़े दिन ही रहे थे, आई थिंक 5 से 6 महीना ही हम लोग रहे थे यहाँ पर, उसके बाद में फिर। तो ये है मीरा रोड का स्टेशन का मार्केट। ये अभी तो बहुत आपको साफ एकदम सुथरा दिख रहा होगा, बिल्कुल रश नहीं दिख रहा है, जबकि ये एरिया इतना कंजस्टेड था। आज से आपसे 2 या 3 साल पहले अगर आए होते दोस्तों, ये रोड इतना कंजस्टेड था, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता था। 2 से 3 साल में ये सड़क बन गई है, इतना चौड़ा सड़क बन गया है, और बहुत मतलब एक फैसिलिटी बहुत मिल गई है यहाँ पर आपको, पार्किंग की जगह मिल गई है, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको अवेलेबल हो गई हैं। अभी पहले ऐसा था नहीं। अभी मैं ज़रा पार्किंग का जगह ढूंढूं क्योंकि मुझे आपको लेके जाना है अभी स्टेशन पर, तो मैं थोड़ा पार्किंग ज़रा ढूंढ लेती हूँ कहाँ पे मिल जाए। यहाँ से लेफ्ट में एक्चुअली स्टेशन है जहाँ की हम लोग नहीं जा सकते। चलिए मैं आपको, गाड़ी अलाउड नहीं है शायद वहाँ पर, आई थिंक गाड़ी अलाउड है, चलो मैं लेके चलती हूँ आपको। ये देखिए, ये आपको ना सामने स्टेशन दिख रहा होगा, ये स्टेशन आज जो दिख रहा है ना, ये ऐसा था नहीं दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, ये ऐसा था नहीं, ये अभी एकदम साफ नीट क्लीन दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा था नहीं, ये एकदम चेंज था। मैं आपको निकल के भी दिखाती हूँ, लेकिन ये ट्रैफिक वाला खड़ा है, पता नहीं है मुझे रुकने देगा कि नहीं रुकने देगा यहाँ पर। पूछती हूँ मैं ज़रा इनसे कि गाड़ी मेरे को रोकना है 5 मिनट के लिए, अगर रोकने के लिए मिलेगा तो हमारे। देखा ट्रैफिक वाले ने मुझे इशारा किया, घुमाइए गाड़ी, यहाँ से घुमाना पड़ेगा मुझे। देखा मेरी शक्ल देख रहा था एकदम वो कि मैं क्या कर रही हूँ, उसको लगा मैं यहाँ पे रुकने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे रुकना अलाउड नहीं है। और यहाँ पर देखती हूँ रोक के अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो, थोड़ा मुश्किल लग रहा है पर नहीं हो पाएगा। चले कोई नहीं, मैं आगे गाड़ी पार्किंग का जगह देखती हूँ पहले, और फिर मैं आपको जरा ना स्टेशन का चक्कर लगवाती हूँ, ठीक है? थोड़ा सा पैदल चल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मीरा रोड का स्टेशन है, इसको बोलते हैं मीरा रोड स्टेशन। यहाँ से आप ऑटो करके भी आ सकते हैं खेसारी के घर की तरफ, खेसारी लाल के घर की तरफ, और बस भी आती है, मैं आपको बस का भी बताऊंगी दोस्तों कौन सी बस आती है, और ऑटो भी बताऊंगी मैं आपको। मैं ज़रा गाड़ी एक बार पार्क लगा दूं। अभी लोग उल्टा सीधा गाड़ियां लगा के चले गए हैं, अभी कहाँ लगाए आदमी गाड़ी। अरे बेचारा एक्सीडेंट हुआ, देखा आपने कैसे सड़क के ऊपर एकदम से गिरा वो बेचारा, स्कूटी से बच गया लेकिन बेचारा, हाँ शुक्र है।
अभी यहाँ पर गाड़ी लगाना मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, यहाँ पे जगह ही नहीं दिख रही है बिल्कुल भी। अभी मैं कहाँ गाड़ी लगाऊँ? अच्छा चलो यहाँ पे जगह मिली, ठीक है। पर ये आपको बसेस दिख रही हैं, ये जो बसें हैं ये आपको मीरा रोड के दूसरी तरफ, लाइक जैसे आपको कहीं बाहर जाना है, थाने जाना है, वहाँ के लिए भी यहीं से बस मिलेगी। और अगर आपको भैंदर की तरफ जाना है वहाँ के लिए भी आपको यहीं से बस मिलेगी। क्योंकि मैं यहाँ से बस का नंबर पूछ के बताती हूँ कि यहाँ से ये सारी लड़के घर की तरफ जो बस जाती है कौन से नंबर की जाती है, एक सेकेंड मैं बताती हूँ। कनकिया की तरफ कौन सी बस जाती है? कनकिया की तरफ नहीं मालूम। हाँ अच्छा, बस जाती है आगे से जो इनका बूथ है ना, बस स्टैंड का जो बूथ है वहाँ से पूछते हैं। रुके यहाँ से पूछते हैं, भैया सेंट थॉम्स स्कूल की तरफ कौन सा बस नंबर जाता है? सेंट थॉम्स स्कूल की तरफ तिवारी कॉलेज, तिवारी कॉलेज की तरफ 21 नंबर जाएगा। 21 दो पाँच का 21 नंबर ही जाता है खाली? 21 और 16, 16 दिन तीन बजे तो जाएगा और 21 दिन तो 16 नंबर जाती है ना, 3 बजे एक जाती है यहाँ से 16 नंबर की और एक जाती है 21 नंबर की। 16 और 21 नंबर की बस आपको ये स्टेशन के बाहर से मिल जाएगी, आपको लेके जाएगी वो तिवारी कॉलेज। तिवारी कॉलेज के पास में ही इनका घर है खेसारी लाल का। अब मैं आपको लेके चलती हूँ ज़रा स्टेशन, आपको स्टेशन से कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा ये जो आप स्टेशन देख रहे हैं ना दोस्तों, ये स्टेशन पहले ऐसा था नहीं, अभी तो इतना डेवलप दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा इतना डेवलप ये था ही नहीं बिल्कुल भी। एकदम यहाँ पर कंजस्टेड था, बसेस लगी हुई थी, गाड़ियाँ लगी रहती थी, आपको यहाँ पे चलने की जगह नहीं मिलती थी बिल्कुल भी, ऐसा सीन था यहाँ पे, बहुत बुरा हाल था। अभी तो इतना क्लीन दिख रहा है, ये बिल्डिंग बना हुआ दिख रहा है आपको, स्टेशन का बिल्डिंग आपको दिख रहा है दोस्तों? पहले की फ़ोटोज़ मैं आपको दिखाती हूँ अभी, रुकिए। ये देखिए ये जो पहले की फ़ोटो है ना, ये ऐसा था स्टेशन पहले, कैसा लग रहा है? और अभी जो स्टेशन है वो आपको कैसा लग रहा है ना? एकदम डिफरेंट, एकदम अलग है। अभी आपको यहाँ पे बैठने के लिए भी मिल जाएगा, पहले यहाँ पे पूरा सब्जी मंडी टाइप से था एकदम, जैसे सब्जी मंडी होता है ना वैसे। ऑटो वाले एकदम मुंह के ऊपर आके ऑटो रोकते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे बस सवारी बैठ जाए किसी तरह से। अभी देखिए कितना बढ़िया है यहाँ पर, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए ये स्टैचू आज मैं तो बहुत टाइम बाद देखी हूँ, क्योंकि इस तरफ मैं नहीं आती हूँ। कितना सुंदर स्टैचू बना है, क्या नाम है ज़रा देखें, वीर स्मृति स्मारक है ये, शहीद मेजर कौस्तुभ प्रकाश कुमार। अरे हाँ वो जो हुए थे ना, शहीद हुए थे थोड़े टाइम पहले, क्या हुआ था ये आई थिंक मेजर थे
जो शहीद हो गए थे अभी थोड़े टाइम पहले ही, और इनके नाम से काफ़ी बड़ा यहाँ पर रैली भी निकाला गया था इनके लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये आई है ट्रेन, एक लोकल है ये। पहले ये सब नहीं था दोस्तों, पता आपको, यहाँ पर एकदम नहीं था, एकदम उजड़ से था, कहीं से भी कोई भी आके आ सकता था यहाँ पर। अभी इतना बढ़िया से प्लेटफॉर्म बन गया है यहाँ पर, इतना बढ़िया बना हुआ है। ऊपर जाकर आपको ट्रेन टिकट मिल जाएगी, और यहाँ पर टाइम भी लिखा होता है, स्क्रीन है यहाँ पर, स्क्रीन नहीं है, यहाँ पे स्क्रीन लगा होता है उसके ऊपर टाइम होता है। देखिए इस टाइम पे भी काफ़ी गर्दी है यहाँ पर। तो अगर आप लोग आ रहे हैं टाउन साइड से, तो यहीं पर आकर आपको ट्रेन छोड़नी है अपनी मीरा रोड स्टेशन पर। अगर आप टाउन से आ रहे हैं, और चाहे तो आप विरार से आ रहे हैं, चाहे कहीं से भी आ रहे हैं, आपको यहाँ पर आकर ट्रेन छोड़नी है। उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से जर्नी, यहाँ से आप निकलिए स्टेशन से बाहर। अभी स्टेशन से बाहर हम निकल रहे हैं, और एक सेकंड में थोड़ा सामान देख लूँ जरा। पता है स्टेशन पे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, कई बार तो बहुत अच्छा मिल जाता है सामान, बुक्स वगैरह अच्छे। मेरे बच्चे तो पहले छोटे थे, और मुझे कहीं ट्रेन से जाना होता था तो ये सब सामान ज़रूर खरीदते थे वो लोग रास्ते के लिए, कुछ अच्छा लगता है। अच्छा तो देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर मिलता है ये सोडा, बड़ा टेस्टी होता है। अभी तो कोरोना की वजह से मैं नहीं पीऊँगी, नहीं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोडा पीना यहाँ का। लाइम सोडा है, कोला सोडा है, बहुत टेस्टी होता है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पर, खाने पीने का बहुत अच्छे से हो गया है। और ये जो दिख रहा है ना, पहले ये बना नहीं था मार्केट, ये एकदम यहाँ से वहाँ तक उजाड़ सा था। आपको यहाँ पर चलने में दिक्कत होती थी पहले, यहाँ पे क्या था, सब्जी मंडी लगी होती थी, मतलब सब्जियाँ बिक्री होती थी, ऐसा था। और ये जो लेफ़्ट साइड में एरिया है ना, ये पूरा बोल सकते हैं कि ऑफिसेज हैं यहाँ के, और स्टडी हब है इसको बोला जाता है, स्टडी हब, मतलब यहाँ पर छोटे छोटे कोचिंग क्लासेस हैं बहुत सारी, और ऑफिसेज हैं, प्रॉपर्टीज़ के ऑफिस हैं, बहुत कुछ है यहाँ पर। मतलब और जैसे कोचिंग क्लासेस नहीं होती बहुत सारी, वो बनी हुई यहाँ पर कोचिंग क्लासेस बहुत सारी यहाँ पर। और ओप्पो का है यहाँ पर, होटल भी बीच बीच में छोटे छोटे होटल भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, रेस्टो बार भी है ऐसे। ये भी बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, आज से 5-6 साल पहले जो यहाँ पर आया होगा उसको पता है कि ये एरिया पहले कैसा लगता था, अभी अच्छा लग रहा है। लेकिन चलिए, गवर्नमेंट अच्छा काम करती है, फैसिलिटी कितनी दे रही है। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता होगा, जैसे मैं हूँ, हम लोग हैं, हम लोग टैक्स पेयर में आते हैं, तो हमें अच्छा लगता है अगर हमें फैसिलिटी मिलती है तो। अभी हम कितने आराम से यहाँ पर चल पा रहे हैं, पहले बहुत मुश्किल होता था चलना। तो अंकल जी ध्यान से चलिए, अभी ये सीख कबाब मिल रहे हैं, सब कुछ मिलता है सस्ता महंगा, आपको एरिया के ऊपर डिपेंड करता है किस एरिया में जा रहे हैं। देखिए ज़रा कान के से पूछूं ज़रा, अच्छा औरतों को कोई काम नहीं है ना, यही सब देखने में उनको बड़ा अच्छा लगता है देखने में, है ना। ऑक्सीडेंट वाले तो बहुत बेकार है, नहीं कुछ खास नहीं है यार, पर चलो कोई नहीं, स्टेशन पे यही सब चीज़ें मिलेंगी आपको देखने के लिए। तो ये है मीरा रोड का स्टेशन, देखिए यहाँ पे आपको पुराने कपड़े भी मिल जाएंगे यार, अभी पुराने हैं कि नए हैं ये लोग जानते होंगे पता नहीं, लेकिन चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी मिलेंगी आपको। ये क्या है, स्कार्फ है, ज़रा पूछिए इससे कितने का है, कितने का है ये, 70 रुपये।
70 रुपीज़ का स्टाफ है भाई, अगर किसी को लेना हो मीरा रोड स्टेशन के बाहर मिल रहा है आराम से, आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये जलजीरा अमरूद, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है अमरूद की लेकिन अमरूद अभी ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि लूँगी तो अभी तो खा नहीं पाऊँगी, कम से कम 2 दिन तक उसको रखना पड़ेगा घर पे, उसके बाद ही खाने को मिलेगा। अच्छा ये देखिए, ये सारी कोचिंग क्लासेस मैंने आपको बताया था ना, अभी कोचिंग क्लासेस हैं यहाँ पे, ऑफिस वगैरह हैं, तो ये सब हैं यहाँ पे मीरा रोड स्टेशन के बाहर। आप निकलते हैं यहाँ से दोस्तों, आप ऑटो करके ऑटो वाले को बोलिए कि आपको वो 16 नंबर बस स्टैंड पर ले कर चले, ठीक है? अभी 16 नंबर बस स्टैंड कहाँ है वो मैं आपको अभी जब मैं पहुँचूँगी तब मैं आपको बताती हूँ। अभी हम लोग पैदल पैदल गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। एक बार हम मीरा रोड स्टेशन आ गए तो यहाँ से आप इजीली कहीं पे भी पहुँच सकते हैं। अब आप चाहे वसई से आ रहे हैं, विरार से आ रहे हैं, टाउन से आ रहे हैं, अंधेरी से आ रहे हैं, कहीं से भी आइए आप। अच्छा यहाँ पे ना मीरा रोड स्टेशन के बाहर मैं आपको बताती हूँ, एक डोसे वाला बड़ा अच्छा डोसा देता है, और कोई टाइम होता तो शायद मैं खाती, अभी क्योंकि कोरोना चल रहा है तो मैं नहीं खाऊंगी। यहाँ पर होता है इस तरह, बड़ा टेस्टी मिलता है डोसा। ये देखिए बस आई है, शायद 16 नंबर ही बस है, आई थिंक ये 16 नंबर बस है, नहीं नंबर तो लिखा ही नहीं है कोई भी। चलिए कोई नहीं, आपको मैंने बता दिया यहाँ से 16 नंबर और 21 नंबर की बस जाएगी जो आपको तिवारी कॉलेज और यहाँ से 16 नंबर के बस स्टैंड पे लेके जाएगी। आप ये बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि रामदेव मार्केट आना है, रामदेव मार्केट भी नियर बाय है। रामदेव मार्केट जो है ना वो अपने खेसारी लाल के घर के पास में पड़ती है। हटिए भैया, थोड़ा साइड दीजिए, आजकल का टाइम ऐसा है क्या, किसी के साथ छुएंगे मतलब टच हो गए तो हो गया, आपके दिमाग में चलता रहेगा अरे क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, वो सुने। तो देखिए अभी हम लोग वापस आ रहे हैं, ये तरफ जो है ना ये दूसरा रोड है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं लेकिन ये थोड़ा घुमावदार पड़ जाएगा, मैं वहाँ से आपको नहीं लेके जाऊँगी, मैं सीधा सीधा रोड से आपको लेके जा रही हूँ। आप मीरा रोड स्टेशन से बाहर निकले हैं हम लोग अभी, वहाँ से अगर आप ऑटो करके आते हैं तो यही वाला रोड आपको लेके चलेगा खेसारी के घर की तरफ, जिस तरफ हम लोगों ने गाड़ी अभी खड़ा की। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे शोरूम्स भी देखने को मिलेंगे। देखिए जैसे जॉकी का है, ये बाटा का है, अच्छे अच्छे शोरूम्स हैं यहाँ पर, आपको परचेजिंग वगैरह करनी है तो। ये एक्चुअली यहाँ की ना मार्केट है, मतलब जैसे स्टेशन के बाहर होते हैं ना मार्केट्स, वैसे ये पूरी मार्केट है। आप यहाँ से कपड़ा खरीद सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब हर चीज़ की मार्केट है, आपको A to Z हर चीज़ मिलेगी आपको। अच्छा मुझे याद आया, ख़रीदने से मुझे भी थोड़ा सा कॉस्मेटिक का सामान लेना था, अब क्योंकि मैं इस तरफ आई हूँ तो मैं वो भी ले लेती हूँ साथ में, बेटर है ना, फिर वापस मुझे आना नहीं पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा कॉस्मेटिक की तरफ भी चल लें, उसी तरफ शॉप है एक्चुअली। ये मार्केट है, अगर मैं आपको चलने को भी नहीं मिलता, इतना ट्रैफिक रहता है, रश रहता है, कितने लोग होते हैं ख़रीदारी के लिए। और आज तो मंडे है तो शायद यहाँ पे मंडे मार्केट लगती है रात को शाम को, तो और रश रहता होगा। रुकिए यहाँ से, मैं जिस दुकान से लेती हूँ उसी के पास चलती हूँ। वाह ये फूड कोर्ट बना हुआ जी यहाँ पर, खाने पीने का सारा है यहाँ पर, फूड कोर्ट है और कहाँ गया, कॉस्मेटिक का शॉप है।
गाड़ी आया नहीं आज भी। अरे काम करो, बंद तो नहीं है, चलो यहाँ से देखते। बायोटेक लोशन है, बायोटेक बायोटेक चलिए मैंने ले लिया मेरा सामान, अब हम लोग निकलते हैं। थोड़ा सा ही लेना था, ज़्यादा नहीं था सामान मेरा। और ब्यूटी की दुकान में अगर आप जाते हैं, जैसे कॉस्मेटिक की शॉप में अगर लेडीज़ लोग चली गई तो हो गया काम। मैं तो बहुत जल्दी निकल आई हूँ, नहीं तो अगर मेरे हस्बैंड होते तो वो तो बोलते कि मैं कितनी देर तक रुकूँ या मैं जाऊँ, क्योंकि तो तुम्हारा तो हो गया अभी, तुम तो सामान खरीदने में देखने में ही तुम्हारा कितना टाइम चले जाएगा। तो आज मैं थोड़ा जल्दी निकल आई क्योंकि मेरे दिमाग में था मुझे क्या क्या लेना है, इसीलिए फटाफट आ गई। बस थोड़ा नेल पेंट में मैं हिचक रही थी कौन सा कलर लिया जाए। अच्छा, इतने सारे नेल पेंट के कलर बना दिए हैं ये कॉस्मेटिक वालों ने कि आदमी कन्फ्यूज़ हो जाए कि कौन सा लिया। अच्छा मैं आपको दिखाऊँ मैंने कितने सारे कलर टेस्ट किए, मेरे हाथ में सिर्फ इतने सारे कलर मैंने टेस्ट किए, उसके बाद में लिया कौन सा एकदम आउट ऑफ द वे जाके दूसरा एकदम डिफरेंट कलर लिया, जो टेस्ट किए वो नहीं लिए, एकदम अलग लिया जाके। अच्छा तो हम लोग आगे, अभी हम लोग अभी वही स्टेशन वाली रोड पे ही हैं, सीधा सीधा हम लोग आ रहे हैं, अभी हम लोग आ गए हमारी गाड़ी के पास। मेरी चाबी मैं निकालूं, चलिए अभी हम लोग बैठते हैं। तो अब हम लोग सीधा सीधा एकदम स्टेशन की तरफ से निकल के अब हम लोग जा रहे हैं सिनेमैक्स की तरफ। आप जिस ऑटो में बैठेंगे और चाहे तो आप जैसे भी, मतलब अगर व्हीकल से आ रहे हैं या कैसे भी हैं, आपको पहुंचना कहाँ है सिनेमैक्स की तरफ, यहाँ से सबसे पहले। ठीक है, स्टेशन उतरे, दोबारा बोल रही हूँ, स्टेशन उतरे और वहाँ से आप सीधा पहुँचेंगे सिनेमैक्स की तरफ। ओके, मैं थोड़ा बैक ले लूँ। चलिए ये देखिए, अभी हम लोग सीधे चर्च गेट, इसको बोलते हैं, मतलब क्या है ये, यहाँ से आगे जाके ना चर्च है शीतल नगर, इस रोड को बोलते हैं शीतल नगर की तरफ, ऑन दी वे जैसे होता है ना, शीतल नगर की तरफ जा रहे हैं। और अब ये जो एरिया दिख रहा होगा आपको लेफ्ट साइड में, अगर आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं रसराज एरिया, रसराज। यहाँ पर आपको पता क्या है, आपको जितने भी चाइनीज़ आइटम्स और फोन्स, परफ्यूम्स, घड़ियाँ, बैग्स, मतलब कितने तरह के आपको डिज़ाइन ऐसे ऐसे मिल जाएंगे आपको एकदम। और जीन्स, आपको एक से एक जीन्स मिलेगी, जैकेट्स मिलेगी, टी शर्ट्स आप जो मूवीज़ में देखते हैं लोगों को पहनते हुए, वो आपको यहाँ से मिलेगी। देखिए मैं अभी यहाँ से लेफ्ट ले रही हूँ ना, ये एरिया है अभी रसराज, मैं यहाँ से अंदर से ले रही हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं। ये पूरा यहाँ पर खाने पीने का बना हुआ है लेफ्ट में, और ये राइट में पूरा एरिया है आपका, एक से एक स्टाइलिश आपको जीन्स मिलेंगी, जैकेट्स, कपड़े, फ़ोन यहाँ पे मिलते हैं लेफ्ट राइट दोनों तरफ, और एक से एक डिज़ाइन की जो आप मूवीज़ में देखते होंगे लोगों को पहनते हुए, वो हर आइटम यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपको फ़ोन का गैजेट चाहिए, आपको एक से एक गैजेट आपको यहाँ पर मिलेगी,
अगर आपका फोन ब्लॉक हो गया है, लॉक हो गया है, कुछ भी हो गया उसमें, आपको यहाँ पर आपको वो खोल के वो लोग आपको दे देंगे। पुराना फ़ोन, नया फ़ोन, हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी आराम से, वो भी सस्ते के सस्ते एकदम। इस एरिया को रसराज एरिया कहते हैं। अगर आपको कभी आना हो, जैसे आप इधर आए हैं और आपका दिल कर गया है कि मुझे जीन्स लेनी है, कोई स्टाइलिश जीन्स लेके जाता हूँ यहाँ से, तो आप बोलेंगे मुझे रसराज एरिया ले चलो, तो वो आपको यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पर आप किसी भी दुकान में घुस जाओ, आपको एक से एक डिज़ाइन की जीन्स, टी शर्ट, स्वेट शर्ट, शॉर्ट्स, निकर्स, बेल्ट, चश्मे, कैप्स, हुडीज, आपको हर चीज़ मिलेगी। शूज़, एक से एक शूज़ आपको मिलेंगे यहाँ पर डिज़ाइन के, मतलब इतना कुछ है यहाँ पर। और उसके बाद अगर आप फोन्स में जाते हैं, गैजेट में जाते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। आपको घड़ियाँ मिल जाएंगी, एकदम डिज़ाइनर घड़ियाँ मिल जाएंगी, कॉपी जिनको बोला जाता है, कॉपी है, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ट्रैक पैंट में अगर आप एडिडास वगैरह के, जैसे लोगों को शौक होता है एडिडास पहनना है लेकिन पैसे नहीं है, सस्ता लेना है, कॉपी लेना है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, सस्ते में। देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं एकदम बाहर की तरफ ही, मैं आपको यहाँ से, मतलब हम लोग सीधा जा रहे थे अभी, तो मैं खाली एक आपको सड़क अंदर से घुमा दूँ कि एक ये भी एरिया मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से अब हम वापस उसी सेम सड़क पे वापस निकल रहे हैं, मैं आपको वहीं लेके जा रही हूँ हाईवे पे। मतलब हम सीधा भी आ सकते थे, पर क्योंकि मुझे आपको वो एरिया दिखाना था, मुंबई है, आप ऐसा तो है नहीं कि आप हर बार उठ के आ जाएंगे, कभी भी मन करेगा आप उठ के आ जाएंगे। तो आदमी होता है कि चलो एक बार गया तो जो जो उसको लेना है, जो जो करना है, वो एक ही बार में आदमी निपटा लेता है। इसके लिए मैं आपको लेके आई कि अगर आपको कुछ खरीदा खरीदी करनी हो तो आप ये वाली मार्केट से आप कर सकते हैं, ये मार्केट बहुत फेमस है। ये देखिए, ये अब हम लोग ना जिस सड़क पे निकल रहे हैं, ये वही सड़क है जहाँ से मैंने आपको कहा था कि अभी हम लोग पेट्रोल डलवाते हैं। ये बाहर मेन सड़क वही आ गई है, मैं आपको अंदर लेके गई थी स्टेशन की तरफ, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट लेके आना चाहती थी इसीलिए। ये सामने मैकडॉनल्ड है, ये एक निशानी है, मान लीजिए आप स्टेशन पे हैं और आपने जाना आना है इस तरफ और आप जगह का नाम भूल गए, तो मैकडॉनल्ड सबको याद रहता है, मैकडॉनल्ड की तरफ जाना है, तो आप मैकडॉनल्ड की तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ से आप खेसारी लाल की तरफ पहुँच सकते हैं। यहाँ पे रुकना पड़ेगा क्योंकि रेड लाइट है। अगर मैं निकल रही होती ना तो ये मेरे बगल में जो गाड़ी आके रुकी है वो भी निकल जाते, काफ़ी लोग निकल जाते हैं। अरे वाह, ये भी निकल गए, चलो हम भी निकलते हैं, हमारी भी ग्रीन हो गई ना इसीलिए। ये सामने आपको एक वो दिख रहा होगा ऊपर बिल्डिंग, फिटनेस फैक्ट्री, ये जिम है जिस जिम में मैं भी आती हूँ, और इसी जिम में मैं आपको बताती हूँ और कौन आता है। मैं एक बार ज़रा यहाँ पर अपनी गाड़ी लगाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर और कौन कौन आता है। मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी लगा रही हूँ, फिर मैं आपको उतर के लेके चलती हूँ। खड़ा कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, थोड़ा आगे देखते हैं कहीं और गाड़ी खड़ा कर सकते हैं, तो वहाँ पे खड़ा करूँगी। ये थोड़ा सा रिस्की लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं किया। यहाँ पे जगह है शायद, नहीं है, ये अंदर से निकलने वालों का है। ये है स्टार मार्केट, स्टार बाज़ार यहाँ का, और इसी के ऊपर ही बना है फिटनेस फैक्ट्री जिम। मैं आपको लेके चलती हूँ, दो मिनट जरा। यहाँ पे जरा गाड़ी पार्क कर दूँ मैं जरा अपनी।
लिए मैं आपको लेके चलती हूँ अभी। मास्क वास्क लगा लेते हैं, पता चल रहा है हमें एंट्री नहीं दिया तो इसीलिए। को हमेशा रास्ता देना चाहिए, कभी भी किसी के जीने मरने का सवाल होता है, कभी भी रास्ता पहले एम्बुलेंस को देना चाहिए। अच्छा ये है स्टार बाजार, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा यहाँ से ऊपर लेके चलती हूँ पहले मैं आपको अपने जिम, ठीक है। पहले तो यहाँ से गाड़ी ऊपर जाती थी लेकिन उसके बाद में कोरोना का फैल गया, जब भी उसके बाद में ना कोरोना का स्टार्ट हुआ तो कोरोना स्टार्ट हुआ तो जिम विम सब बंद हो गए, जिम बंद हुए, मैंने भी आना बंद कर दिया। उसके बाद ये खुला, उसके बाद में लेकिन मैंने अभी तक अपना मेंबरशिप वापस से रिन्यू नहीं किया है क्योंकि मुझे अभी नहीं आना है, क्योंकि जिम में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया फैलने के चांसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जिम में ही फैलते हैं। ये देखिए पहले यहाँ पर मैं पार्किंग करती थी अपनी गाड़ी और नहीं तो फिर अंदर, अभी लगता है ये लोगों ने बंद कर दिया पार्किंग। एक्चुअली कोरोना का टाइम है, लोग आ नहीं रहे हैं, फिर जिम में ही जा रहा है ये भी लड़का। यहाँ से था चलिए जिम लग रहा चालू हो गया वापस, मैं तो ऊपर नहीं जाऊँगी। जिम के लिए जाना था पर अभी नहीं जा रही, बाद में जाऊंगी। जिम तो चालू हो ही चुका है ना, हाँ देखिए जिम तो चालू हो गया है लेकिन मैं नहीं जा रही अभी। तीसरे माले तक कौन चढ़ के जाएगा, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। अच्छा अब मैं बताती हूँ आपको इस जिम में कौन कौन आता है। इस जिम में आती है रानी चटर्जी जो कि भोजपुरी की बहुत बड़ी एक्टर हैं, और इसमें आती थी बिग बॉस की दीपिका कक्कड़, वो जो बिग बॉस की विनर थी ना, वो भी आई थी थोड़े दिन के लिए आई थी। और आते थे हमारे जो कृष्ण भगवान बनते हैं, मुझे उनका नाम नहीं मालूम है, लंबे से हैं कृष्ण भगवान बनते हैं, बहुत फेमस है वो आते हैं इस जिम में। तो और आते हैं यहाँ पर एक क्राइम पेट्रोल में एक्चुअली काम करते हैं, उनके बाल वाइट हैं, मुझे नाम नहीं मालूम है उनका, वो आते हैं। दो तीन लेडीज़ लोग हैं जो कि क्राइम पेट्रोल में मैंने देखी हैं, वो आती हैं, तो काफ़ी सारी हैं जो आती हैं। अच्छा ये है स्टार बाज़ार यहाँ का, मैं यहाँ पे जब भी अपने जिम आती थी तो मैं रोज़ नीचे आती थी, यहाँ से फ्रूट दूध सब यहीं से लेती थी। थैला लेके जाऊँ लॉकर में, लॉक कीजिए, टैग लगाइए। अच्छा अभी भी इन्होंने बंद किया हुआ है, एक सेकेंड इसको टैग मार दूँ, इसको टैग कर दीजिए, कौन करेगा, आप ही कर दो ना। इसको टैग करेंगे, वही करेंगे, इसको टैग कर दो ना। नहीं लेना है तो बाद में ले लीजिए आप, धीरे और एक जीना वाला हम लोग ले लेके जाएंगे, पहले ठीक है। एक ही थोड़ा सा बार-बार मतलब एक्सचेंज नहीं होता है, बड़ा मैं इसको सिलेक्ट दो ना, सिलेक्ट इसको टैग कर दो।
फ्रिज में और सील करके भी देता है। अच्छा एकदम थैंक यू। चलो मुझे एक्चुअली थोड़ा सा सामान लेना था तो यहाँ से ले लेती हूँ, अभी आगे जाऊँगी मुझे। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर तरह के फ्रूट्स मिल जाएंगे। पहले मैं यहाँ से वाटरमेलन तो रोज़ लेके जाती थी, वाटरमेलन होता था, मौसम भी होती थी, हमेशा लेके जाती थी। काफ़ी अच्छा कम सस्ता सामान मिल जाता है, सस्ता क्या मिलता है महंगा ही मिलता। मुझे एक्चुअली लेना है थोड़ा सा सामान, पहले देखिए ज़रा। पता नहीं अपने हस्बैंड कौन सा बोल रहे थे, मुझे तो ऐसा कुछ ग्रीन कलर का तो नहीं दिख रहा है। इसको कट कर दो। अब हम लोग आ गए हैं बाहर, तो मैंने आपको घुमा दिया स्टार बाज़ार में भी, जो कि आपको सीधा स्टेशन से लाएगा इस तरफ। आपको ऑटो वाले को बस बोलना है मैकडोनल्ड स्टार बाज़ार। आपके पास चार पांच चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं वो आपको बता के आप इस तरफ आ सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे गाड़ी की तरफ और वहाँ से अभी हम जाएंगे भिखारी लाल के घर के। इस एरिया को बोला जाता है सिनेमैक्स एरिया। क्या बोलते हैं? सिनेमैक्स एरिया, ठीक है।
तो बड़ी अच्छी स्कूटी है किसी की, तो हम गए थे कब तो नहीं थी यहाँ पे। ठीक है अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप स्टेशन से आ रहे हैं तो आपको सीधा उसको बोलना है मुझे कहाँ जाना है, सिनेमैक्स एरिया, और नहीं तो फिर तिवारी कॉलेज, और नहीं तो फिर सेंथोम स्कूल, और नहीं तो मैकडॉनल्ड, और नहीं तो स्टार बाज़ार। ये 5-6 मेन पॉइंट्स हैं जो आप बोलोगे ऑटो वाले को, और या फिर किसी से पूछते हुए अपनी गाड़ी से अगर आप खुद आ रहे हैं, अपनी व्हीकल से अगर आप खुद आ रहे हैं, तो आपको वो इजीली अंडरस्टैंड करेंगे कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, अभी हम लोग एकदम खेसारी लाल के घर की तरफ हैं, उसके घर के रास्ते पे ही है, मतलब सीधा सीधा मैं लेके जा रही हूँ आपको। ठीक है, आप यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे तो भी उनका घर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी अंदर से जाके फिर वापस आगे आना पड़ेगा। मैं आपको सीधे से लेके जा रही हूँ एकदम। ठीक है, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अच्छा सुनो, याद आ गया यार, अगर ये व्लॉग अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है मैं यूज़फुल चीज़ें आपको बता रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लो यार। नया नया चैनल अगर आप देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा बेल आइकॉन दबा दो, अच्छा लगेगा प्लीज़। हाँ, क्योंकि अब तो मैं बस आपको पहुँचाने ही वाली हूँ एकदम खिसारी के घर की तरफ, आप अपने फेवरेट एक्टर के घर की तरफ आप पहुँचने वाले हो, तो प्लीज़ ज़रा मुझे भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। बस इतना ही बोलूँगी यार, इतनी हेल्प होती है, बहुत हो जाती है, आपका कुछ जाना नहीं है, और हमें अप्रिसिएशन मिल जाएगा, हमें और अच्छा लगेगा कि चलो आपने हमारे काम को पसंद किया, तो अच्छा लगता है दिल को बस। अच्छा ये देखो, ये है सिनेमैक्स एरिया चौराहा, इसको बोलते हैं सिनेमैक्स चौराहा। यहाँ से लेफ्ट में है सिनेमैक्स का थिएटर, ठीक है, सिनेमैक्स सिनेमा हॉल है ये एक्चुअली। अब इसको हम लोग, अब इसको दूसरा भी एक नाम दिया गया है PVR, ठीक है। इसका वैसे तो इसका नाम सिनेमैक्स ही है अभी तक, मतलब इतने सालों में, क्योंकि इसका नाम सिनेमैक्स ही था तो सिनेमैक्स ही बोलते हैं सब लोग। सिनेमा हॉल का सिर्फ नाम चेंज हुआ है, PVR कर दिया गया है, अदरवाइज चौराहा जो है उसको सिनेमैक्स ही बोलते हैं। ठीक है, सिनेमैक्स वाला चौराहा आप छोड़िए, और उसके बाद जो नेक्स्ट चौराहा है, ये जो नेक्स्ट कट है, यहाँ से आपको लेना है अभी लेफ्ट, आपको यहाँ से लेना है लेफ्ट, ठीक है, और यहाँ से अभी खेसारी का घर एकदम सामने ही है, मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, खेसारी लाल का घर एकदम सामने है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम लोग सीधा सीधा आए हैं एकदम, खेसारी लाल का अपना खुद का बंगलो है, मैं आपको बता देती हूँ कि वो कोई फ्लैट में नहीं रहते हैं, उनका खुद का बंगलो है, 2 फ्लोर का है या शायद 3 फ्लोर का है, उनका खुद का ना बंगलो है, घर नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि फ्लैट में रहते हैं या क्या है, उन्होंने खुद का अपना रॉ हाउस खरीदा हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी बस पहुँचने वाले हैं, और 2 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। इस एरिया को बोलते हैं रामदेव पार्क। दोस्तों अगर आप ऑटो में आ रहे हैं या फिर अगर आप बस में भी आ रहे हैं, तो आप जब बस में कंडक्टर को बोलेंगे कि हमें रामदेव पार्क जाना है, तो आपको बस बता देगा। 16 नंबर की बस यहां पर आती है दोस्तों, 16 नंबर एंड 21 नंबर की बस यहां पर आती है, ठीक है।
अभी यहाँ से राइट साइड में खेसारी का बंगलो है, मैं ट्राई करती हूँ अगर हमें अंदर जाने को मिला तो, ठीक है। मैं यहाँ पे गाड़ी जरा लगा दूँ एक बार और उतर के चलते हैं, देखते हैं। मुस्की मार्ट, ये उसके घर के बाहर ही है मुस्की मार्ट, खेसारी लाल के बिल्डिंग के बाहर है, ठीक है। अभी सड़क क्रॉस करके इस तरफ है, देखते हैं अगर सिक्योरिटी गार्ड मेरे को जाने दे रहा है तो, क्योंकि क्या है जल्दी अंदर अलाउड नहीं करते हैं ना। अभी देखते हैं क्या बोलते हैं, पता नहीं अभी कुछ है तो देख लेंगे, कुछ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सीधा सीधा हम लोग जा रहे हैं, चलो। ये सोसाइटी है एक्चुअली, उनका घर जो है ना सोसाइटी के अंदर से ही एक गेट है जो जाने के लिए है, और यहीं से उनके घर का भी रास्ता आता है। चल रहे हैं देखते हैं, खेसारी लाल का घर है ये बंगलो। देखिए सूर्या कृति बंगलो जो है ये खेसारी लाल का घर है। गार्ड से पूछते हैं कि सर हैं क्या घर पे, बेल तो कहीं नहीं है, है बेल तो है। देखिए उनकी गाड़ी अंदर खड़ी है, दिख रही है आपको खेसारी लाल की गाड़ी तो अंदर खड़ी है, शायद कोई आएगा निकल के। आई थिंक उनके बच्चों की गाड़ी भी खड़ी है, वो देखिए। ये है उनका बंगला, 3 फ्लोर का है ये, दिख रहा है आपको दोस्तों। वो है तुलसी जी लगी हुई हैं, देखिए कोई है नहीं, आई थिंक कोई है कि नहीं है, कोई होगा। जाने को तो नहीं दूंगी लगता उसे, देखते हैं। गेट तो खुला, घर ही है, बंगलो है। कौन तो है, खेसारी लाल है क्या घर पे? अच्छा मैं एक बार अंदर का एक वो ले लूँ, मेरा अपना चैनल एक्चुअली एक छोटा सा हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। अच्छा आप कौन है? आप भतीजे हैं, आप खुद ही एक बार अंदर से राउंड दिला दीजिए। मेरा छोटा सा एक वीडियो है यार, उसको हाइट मिल जाएगी यार। उन बच्चे लोग भी हैं घर पे, किसी से कुछ नहीं हो सकता है। देखो मैं यहाँ तक चल के आई, मैं स्टेशन से चला के पूरा वीडियो लेके आई हूँ कि मैं आपको खेसारी जी के घर लेके जा रही हूँ। मुझे तो डाउट था पता नहीं आने देंगे कि नहीं आने देंगे, तो अगर कुछ हो सकता है तो दिखा दो ना।
एक बार उनका उसका फोटो का एक फोटो ले, वो जो सामने लगा हुआ सर, यहीं से ले दो ना, यहीं से ले दो ना, यहीं से ले दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, वीडियो चल रहा है देखिए, खाली उनको दे दी, उतना भी बहुत हो जाएगा मेरे लिए यार कि मैं उनके घर तक आ गई, इतना ही काफी था। थैंक यू सो मच। आपका नाम? अनुपम यादव। अनुपम यादव, चलिए थैंक यू सो मच कि आपने इतना हेल्प कर दिया, मेरे को यहाँ तक आने दिया। हेलो, उनके बेटे हैं क्या? अच्छा ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों कैसा लगा आपको खेसारी के घर घूम के? आई होप आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छे से मैंने आपको रास्ता दिखाया, आप किस किस रास्ते से आ सकते हैं, आप बाय ट्रेन आएंगे तो, आप बाय रोड आएंगे तो, आप बाय बस आएंगे तो, मैंने आपको तीनों रास्ते दिखा दिए। और खेसारी के घर पे भी हम होके आ गए, खेसारी लाल के घर पे हम लोग उनसे मिल के आ गए। तो चलिए फिर आई होप आप लोग जब आएंगे आप लोग भी आराम से उनके घर पहुंच पाए, आराम से उनके आप अच्छे से उनके सिग्नेचर ले पाए, जिनको हम बोलते हैं साइन ऑटोग्राफ जो भी है, आप उनके घर जाएंगे। घर बहुत सुंदर था, एकदम वाइट कलर का घर, 3 माले का बना हुआ, खुद का उनका प्राइवेट बंगलो, मतलब एक बॉम्बे में एक अपने नॉर्थ इंडिया का बंदा आके यहाँ पे बॉम्बे में इतना अच्छा घर बना लेता है, अपने आप को सेटल कर लेता है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है दोस्तों। हमें इसके ऊपर प्राउड करना चाहिए। और मेरा चैनल ऐसे ही देखते रहिए बस दोस्तों। और मैं क्या बोलूँगी आपको, आई होप आपको अच्छा लगा होगा खेसारी लाल जी के घर जाकर, उनको मिल के, उनको देख के, उनके भतीजे से मिल के आपको अच्छा लगा होगा। आई होप आप मेरा चैनल इसी तरह देखते रहेंगे, बस इतना ही काफ़ी है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।